बहुत देर तक बने हुए हैं। देखिए अमित त्यागी किससे जुड़ू उससे पहले देख लेते हैं थोड़ा भास्कर ने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में, फिर मैं जाऊंगा अनुज सक्सेना के पास जो इस मामले में वकील है जिन्होंने मामला फाइल किया है। हम एक ऐसे देश में है जहां हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट एक ही जजमेंट में ये भी कहता है कि बाबरी मस्जिद का घर टूटना अनलॉफुल था और फिर उसी जजमेंट में उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड भी करता है जिन्होंने मस्जिद तोड़ी थी। ठीक है सीधे चलता हूँ अनुज। अनुज ये कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में दायरे में आता है भाई, ये तो बड़ी सिंपल सी आलोचना है। देखिए चौरसिया जी आपने शुरू में ही एक हरिवंश राय जी की एक स्टेटमेंट बोली कि मन का हो तो अच्छा ना हो तो और भी अच्छा। ये जो एक ब्रिगेड है, मैं सेकुलर ब्रिगेड तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो ब्रिगेड है इसकी अपनी कहावत है कि मन का हो तो अच्छा ना हो तो संविधान खतरे में आ जाता है। तो इसी तरह की ये प्रक्रिया है। आप देखिए जजमेंट से पहले दोनों पार्टीज, राम जन्मभूमि के जजमेंट से पहले दोनों पार्टी बोल रही थी कि वी विल एक्सेप्ट व्हाट द सुप्रीम कोर्ट विल डिस्पेंस, पर लेकिन जजमेंट के आते ही सुप्रीम कोर्ट की इंटेग्रिटी और इंटेंशन पे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। अब आपका जो प्रश्न है कि ये कैसे कंटेम्प्ट के दायरे में आता है, तो सेक्शन 2D ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैं पढ़ना चाहूँगा यहाँ पे। उसमें स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट का एक टर्म का यूज हुआ है, उसमें बोला गया है स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट ब्रॉडली रिफर्स टू स्टेटमेंट्स और पब्लिकेशन विच हैव द इफेक्ट ऑफ अंडरमाइनिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरी। तो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस जुडिशरी में लूज कर दे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आता है। एक देयर इज अ पॉपुलर फ्रेज इन हॉलीवुड मूवीज दैट विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पे वरिष्ठ अधिवक्ता जो KTS तुलसी जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा जिक्र किया फंडामेंटल राइट्स का, लेकिन मैं 51A फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बोलना चाहूँगा। जो 51A जो पहला आर्टिकल है उसमें बताया गया है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन है, उसका रिस्पेक्ट करना, उसकी गरिमा को बनाए रखना, ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे राइट्स की बात तो हम करते हैं लेकिन जो ड्यूटीज हैं उसकी बात नहीं करते हैं। तो ये जो टिप्पणी करी गई इस जजमेंट पे, इससे पूरा पब्लिक जो कॉन्फिडेंस है, जो जनता का जो आत्मविश्वास है जो कोर्ट के अंदर, वो आहत होता है। तो ये तो नोटोरियस है।